आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, चाइना रोज, असीमम, औसीमम, सूरजमुखी, सरसों, एल्सोटोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, थथनीरियम, ओलियंडर में से कितने पादपों में विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है? विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है। हमारे विकल्प है 4, 5, 2। देखिए होता क्या है, देखिए पर्ण विन्यास होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्ण विन्यास की। देखिए पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी क्या कहलाती है कि तने पर शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को, पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है पर्ण विन्यास। देखिए तीन प्रकार की पर्ण विन्यास पाई जाती हैं, मौजूद है। कैसे? तीन प्रकार की पर्ण विन्यास मौजूद है, कौन कौन सी ये देखते हैं। देखिए तीन प्रकार की पर्ण विन्यास मौजूद है, यह विपरीत, एक तो होती है विपरीत घुमावदार ये, और सर्पिल या वैकल्पिक। ये तीन प्रकार की पत्तियों का पर्ण विन्यास पाया जाता है, मौजूद है। देखिए वैकल्पिक प्रकार में, वैकल्पिक, सर्पिल या वैकल्पिक, वैकल्पिक, देखिए वैकल्पिक में, सर्पिल या वैकल्पिक में प्रत्येक नोड पर एक वैकल्पिक तरीके से पत्ता उठता है, प्रत्येक नोड पर वैकल्पिक तरीके से, कौन से तरीके से, वैकल्पिक तरीके से एक पत्ता होता है। ठीक है, कैसे होता है, वैकल्पिक तरीके से एक पत्ता होता है। ठीक है, एक पत्ता शामिल होता है या एक पत्ता उठता है। उदाहरण ले लें अपन इसका, तो चीनी हो गई, गुलाब, इसका उदाहरण देखें तो चीनी, गुलाब, सूरजमुखी, सरसों, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। चीनी, गुलाब, सूरजमुखी, सरसों, ये सब इसके उदाहरण है। देखिए विपरीत प्रकार की पत्तियां देखें अपन, अब अपन देखते हैं विपरीत प्रकार की पत्तियों में की जोड़ी में प्रत्येक नोड पर उत्पन्न होती है, जो पत्तियों की जोड़ी होती है, पत्तियों की जोड़ी जो होती है वो कहाँ पे होती है, पत्तियों की जोड़ी जो होती है वो नोड पर उत्पन्न होती है, कहाँ पे, नोड पर उत्पन्न होती है और एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, देखिए विपरीत पर्ण विन्यास में क्या होता है कि पत्तियों की जो जोड़ होती है वो क्या होती है, नोड पर उपस्थित होती है या नोड पर उत्पन्न होती है, जो कि एक दूसरे के कैसी होती है, विपरीत होती है। अब अगर अपन इसका उदाहरण देखें, विपरीत पर्ण विन्यास के उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण है कैलोट्रोपिसिस, ओसीमम, अमरूद, ये इसके उदाहरण है, विपरीत पर्ण विन्यास के उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखिए घुमावदार प्रकार का पर्ण विन्यास देखें तो घुमावदार प्रकार का जो पर्ण विन्यास होता है वो दो से अधिक पत्ते एक नोड पर उत्पन्न होते हैं, कितने, दो से अधिक पत्ते कहाँ होते हैं, एक नोड पर उत्पन्न होते हैं। अगर अपन इसके उदाहरण देखें,
देखिए घुमावदार पर्णविन्यास के उदाहरण कौन से हैं? घुमावदार पर्णविन्यास के उदाहरण, तो देखिए घुमावदार पर्णविन्यास के उदाहरण होते हैं एलिस्टोनिया, एलेस्टोनिया हाइड्रिला, नेरियम, एलेस्टोनिया हाइड्रिला नेरियम या ओलियंडर, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने पादपों में विपरीत पर्णविन्यास पाया जाता है। तो देखिए विपरीत पर्णविन्यास के अपने अभी भी उदाहरण देखे थे, तो विपरीत पर्णविन्यास किस में पाया जा रहा है इसके उदाहरण देखे तो कैलोट्रोपिसिस, ओसिमम और अमरूद। देखिए ओसिमम, कैलोट्रोपिसिस, ओसिमम और गुआवा यानी कि अमरूद, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।